आप देख रहे हैं शेजी गुजराती यूट्यूब चैनल तो मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त शेब हसन तो मैं आज आपको पाकिस्तान की तरीहि जगह दिखाने जा रहा हूँ ये जनाब पाकिस्तान का जो शहर मंडी बाउदीन है उसमें एक ये इलाका आता है चिलियाँ वाला है चिलियाँ वाला की जनाब चिलियाँ वाला की भी ये तरीहि जगह है तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ ये तरीहि जगह कैसे है और यहाँ पे इस इस जगह को तरीही जगह क्यों कहा जाता है इस जगह का बहुत कम लोगों को पता है तो आज मैं आप सबको इसकी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये जनाब चिलियॉँ वाला रोड पर वाक़ है जी आप ये देख सकते हैं ये जी जनाब ईसाइयों का जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी है ये उनकी एक इबादत गाह बनी हुई है यहाँ पे वो वाक अपनी इबादत करते हैं तो संडे के संडे वो यहाँ पे आई थिंक सो के आते हैं और, और यहाँ पे आके वो अपनी इबादत करते हैं तो साइड पे उन्होंने एक अपना नसी फारम भी बनाया है क्रिश्चियन जो है यहाँ पे जिस ए, इस जगह की जो देखभाल करते हैं तो आपको मैं इसकी बताता हूँ तारीख इसकी तारीख है जब पाकिस्तान अभी तक मार्ज वजूद में नहीं आया था पाकिस्तान बनने से भी पहले यहाँ पे सिखों और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी एक जंग हुई थी यहाँ पे कहा जाता है जैसे कि मैंने सुना है मेरे नॉलेज में है तो हिस्ट्री में जैसे लिखा गया है तो ये लोगों की आपस में जंग हुई थी इस इलाक़े को फतह करने के लिए तो इस जंग के दौरान काफ़ी लोगों की मौत जो है वो हुई थी काफ़ी लोग यहाँ पे मरे थे सिखों के अंग्रेज़ों के बहुत खून खराबा यहाँ पे हुआ था बहुत लोगों की जाने गई थी ये देखें आप इन्होंने ये साथ में लिखा हुआ है जो अंग्रेज़ों का जो जर्नल था वो लार्थ काफ समथिंग इस तरह का उसका ऐसे कुछ उसका नाम है तो, तो उनकी जंग हुई थी तलवारों के साथ उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही खून खराबा इन्होंने किया आ, बहुत कत्ल वारत की यहाँ पे इस जगह पे तो इस जगह को तरीह के हिसाब से बहुत ही यानी कि तरी जगह मानी जाती है तो बाकी आप ये पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे तो फिर उसके बाद कायद आजम यहाँ पे आए जब पाकिस्तान फतह हुआ तो कायद आजम ने आके फिर जो कर जो अपना सिख कम्युनिटी है उसके साथ कायद आजम ने जनाब यहाँ पे पर किया उनको कायद आजम ने जो है वो उनको सेटिस्फाई किया कि आप यहाँ पे रहें ये पाकिस्तान जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं ये सब जितने भी मज़ाहब हैं उनके लिए बना है यहाँ पे सबको आज़ादी हासिल है तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने कबरें जो इनके जनरल वगैरह थे बड़े जो वडेरे थे इनके क्रिश्चियन लोगों के तो ये इन्होंने उनकी कब्रें वगैरह बनाई हुई हैं ये जी जनाब उनकी कब्रें हैं जी कैसे टूट फूट का शिकार हैं हमारी आवाम यहाँ पे क्रिकेट खेलती है जी ठीक है <laughs> तो ये इनकी विकटें हैं तो मैं आपको बता रहा था कायदे अजम ने जनाब फिर उनसे माहदा किया कि आप यहाँ पर रहें आपको कोई भी तंग नहीं करेगा आप अपनी इबादत कर सकते हैं अपनी इबादत गाहें बना सकते हैं अपनी इबादत गाहों में यहाँ पर रह सकते हैं एंड यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी किस्म की आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है तो कायदे अजम ने उनके साथ ये माहदा किया था कि आप यहाँ पर रहें तो फिर इस जगह पर जो है वो आ, जो क्रिश्चियन हैं उन्होंने इस जगह को ये ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है जब उन्होंने फतह किया था इस जगह को तो उन्होंने फिर ये एक यादगार के तौर पे इन्होंने इसको जनाब यहाँ पे बनाया था तो ये जैसे ये बना के गए थे वो वैसे का वैसे ही बना है इसमें कोई अभी तक तब्दीली नहीं आई जो बाहर वाली साइड पे ये एक बड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है टी टाइप तो ये वैसे का ये ये पहले का बना ये अभी बनाया सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि ये अभी बना है तो इन्होंने इस हाथ में ये इंग्लिश में भी इन्होंने ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे तो अभी ये सही पढ़ने तो नहीं होता बाकी उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपने हौ शादी हसन को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस जगह का एक दफ़ा विजिट करें क्योंकि जो तारीखी जगह होती हैं उनका विजिट करना लाज़मी है हमें अपनी तारीफ पढ़नी चाहिए हमारी तारीख क्या है हम क्या थे और अब क्या हैं और हमें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़